लोकसभा चुनाव 2024 में सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। चुनावी गलियारों में उम्मीदवारों के नाम अब आने लगे हैं। मंडी लोकसभा सीट को लेकर सियासी तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहां से बीजेपी ने मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। पहले कॉन्ट्रोवर्सी और अब कंगना के उम्मीदवार को लेकर एक बड़ी अपडेट है। कंगना के खिलाफ कांग्रेस भी एक मजबूत राजनेता विक्रम आदित्य सिंह को प्रत्याशी बना रही है, यानी कि राजा के सामने होंगी क्वीन रानी। मीडिया की खबरों के मुताबिक उनकी मां प्रतिभा सिंह ने स्वीकारा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए विक्रमादित्य सिंह प्रत्याशी होंगे। ऐसे में मंडी लोकसभा सीट पर चुनाव राजा बनाम रानी के होने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह का ताल्लुक पुशहर के राज घराने से है। लोग उन्हें राजा विक्रमादित्य सिंह के नाम से पुकारते हैं। वह वर्तमान में कांग्रेस सरकार में PWD और शहरी विकास मंत्री हैं। उनके पिता वीरभद्र सिंह कई बार राज्य के CM रह चुके हैं। उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, साथ ही वो सांसद भी हैं। पिछले दिनों हिमाचल में सुक्खू सरकार के दिन काफी मुश्किल भरे रहे हैं। सरकार की स्थिरता को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में पार्टी के लिए मंडी लोकसभा सीट की अहमियत बढ़ चुकी है, खासकर जब बीजेपी ने कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के लिए ऐसे में मजबूत प्रत्याशी उतारना बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में कांग्रेस ने दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के 35 वर्षीय बेटे विक्रमादित्य सिंह पर भरोसा जताया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि युवा वोटर्स के बीच वो खासे लोकप्रिय है, जिसका फायदा पार्टी को लोकसभा चुनाव में हो सकता है।